हाउ टू प्रिपेयर जीपीएट एग्जामिनेशन इन वन मंथ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी, दिस इज हिमांशु। जैसे कि आप जानते हैं ये मेरा सेकंड वीडियो है, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू प्रिपेयर जीपीएट एग्जामिनेशन इन वन मंथ। फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट को लेकर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सर एक महीने के भीतर भीतर हम किस हिसाब से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, कि कौन कौन से टॉपिक जो है मोस्टली हम कवर करें कि हमारा एग्जामिनेशन पास हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, देखिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं, अगर आप ठान लेंगे तो वन मंथ ही काफ़ी रहता है। अच्छे से सिस्टमेटिक वे से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आपको देखने को जरूर मिलेगा। आज के उसी वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं, देखिए पार्ट फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको इस वीडियो के एंड में इधर ही आपको मिलेगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम दो मेन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्माकेमिस्ट्री यही मेजर सब्जेक्ट है जहां से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। फार्मास्यूटिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, फार्माकोलॉजी की मैं बात करूं तो देखिए फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है मोस्टली काफी सारे स्टूडेंट का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता ही रहता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से ये रहती है कि जितने भी आपके क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारा का सारा आपको याद हो जाना चाहिए मुंह जबानी। यानी कि आपको क्लासिफिकेशन जो है हर ड्रग का किस हिसाब से रहेगा वो प्रॉपर वे में याद कर लेना चाहिए। आपको बार बार रिपीट करके याद करना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन जो है वो प्रॉपर वे में आपको आना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कुछ एक टॉपिक हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा भी आपको कुछ टॉपिक लगते हैं तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। देखिए प्लानिंग में हमने बताया था किस हिसाब से आपको प्लान करना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर देखने हैं 3 से 4 सालों के, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझना है, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पता चल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने की प्रैक्टिस करनी। उसके बाद में जो टॉपिक हम बता रहे हैं आपको और इसके अलावा आपको भी जो टॉपिक लगते हैं उन सबको टॉपिक को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ उसके एमसीक्यू जो है वो अटेंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए डायूरेटिक्स जो आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्लासिफिकेशन सारा सब कुछ आपको याद हो जाना चाहिए, डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपकी ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन और ये सारा सब कुछ जो है आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है देखिए एनसेड, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते ही बनता है। नेक्स्ट आपका ANS, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हर बार यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार हर साल तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कीमोथेरेपी, यहाँ से भी आपका क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ड्रग जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज आती है तो यहाँ का क्लासिफिकेशन आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है आपका देखिए क्लिनिकल ट्रायल, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा हमने सुना है क्लिनिकल ट्रायल के बारे में, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है कि क्लिनिकल ट्रायल कौन क्या होते हैं, उसके फेजेस कौन कौन से होते हैं, किस फेज में किस हिसाब से स्टडी होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जितने भी आपके रिसेप्टर गाबा प्रोटीन रिसेप्टर, वो सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और लास्ट में आपकी आ गई फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सारा आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। मोटे तौर पर मैंने सारे टॉपिक जो कवर किए हैं, और भी आपको कुछ लगता है तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आप तो इस सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है, और आपको हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है, और किसी एक स्पेसिफिक ड्रग का किसी का साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट है तो वो भी आपको याद रखना है। और हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जितने भी ड्रग जो प्रेगनेंसी में यूज होती है ना, वो भी आपको याद रखना है, जैसे कि मलेरिया की कौन सी ड्रग जो प्रेगनेंसी में यूज होती है। हम जैसे रूटीन में पढ़ रहे थे वहाँ भी वो इंपॉर्टेंट थे, और इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ भी वे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका फार्माकेमिस्ट्री, जो कि आप डिवाइड कर सकते हैं इसको देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में और आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर फार्माकेमिस्ट्री की मैं बात करूं तो 4 सब्जेक्ट जो है वो इसमें डिवाइड है। कौन कौन से सब्जेक्ट है, पहला आपका आता है फार्मा एनालिसिस, आप जानते हैं मेरा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन फार्मा एनालिसिस है, इसके बारे में बहुत कुछ हम बात कर चुके हैं। फार्मा बी, फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की सारी एनालिसिस हम स्टडी कर चुके हैं। फार्मा सेवन सेमेस्टर में आपके जितने भी एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए आपके रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, जितने भी आपकी रेंज है ना, यूवी की, आईआर, एक्सरे, माइक्रोवेव, वो सारे के सारे रेंज आपकी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको
याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि आपका यूवी, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूवी पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पढ़ के जाना है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। किसमें से? आपकी शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट? सर रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, रेड शिफ्ट क्या है सर, ब्लू शिफ्ट क्या है ना, हिप्सोक्रमिक, ये सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आईआर में इसकी रेंज जो है ना, मिड आईआर, फार आईआर और नियर आईआर की रेंज जो है वो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट एचपीएलसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, और इसी के साथ जीसी जो है वो भी इंपॉर्टेंट, और जीसी में सबसे ज़्यादा आपके डिटेक्टर जो है वो इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक भी आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट एनएमआर की मैं बात करूँ तो एनएमआर में देखिए आपकी रेंज डिफरेंशियल ग्रुप वो आपको याद करना है, जैसे कि आपकी एल्कलाइन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इन सब की रेंज जो है वो आपको याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट केमिकल शिफ्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है एनएमआर में, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊं देखिए टाइट्रेशन आ गया आपका, पोटेंशियोमेट्री आ गया, और मोर्स मेथड और वोलार्स मेथड जो कि हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ते हैं। मोटे तौर पे ये सारे टॉपिक आप कवर करें जो है वो जरूर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए सबसे पहला आपका आ गया नेम रिएक्शन, है ना, जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट आपका इंडक्टिव इफेक्ट, आपका एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। 12th क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये सारा सब कुछ। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। बायोकेमिस्ट्री का नाम सुनते ही एमिनो एसिड, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ऑयल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, इसके एमसीक्यू अटेंड करने हैं, इजी तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है कि जो आपको फार्माकोलॉजी के साथ साथ पढ़ना है, सारी की सारी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे एक एक ड्रग का आपको सिंथेसिस याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक ड्रग जो है जिसका आपको एसएआर जो है वो याद कर लेना है ना, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया आपका, क्लोरोफेनिकोल हो गया, इन सबका एसएआर आपको याद हो जाना चाहिए। लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा सर एक और सब्जेक्ट छूट गया, वो है आपका फार्माकोग्नोसी, इसमें क्या क्या याद रखना है, तो स्पेसिफिक जितने भी आपके टेस्ट हैं है ना, किलर किलानी टेस्ट है आपका, बैथोक्रमिक टेस्ट है, वो याद रखने चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल सोर्स याद रखना है, और जिसका किसी स्पेसिफिक ड्रग का केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रखना है। और यहाँ पे एक और सब्जेक्ट की मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस की, तो यहाँ पे देखिए जितने भी एक्ट है उसके ईयर आपको याद हो जाने चाहिए, और सेकेंड जितने भी शेड्यूल है वो आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। चलिए, अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो आपने एक्सप्लेन किया, सारा सब कुछ पढ़ेंगे कैसे? तो भैया देखिए 30 से 40 दिन आपके पास पड़े हैं, अगर कोई सोचता है वाकई में उसको प्रिपरेशन करके क्रैक करना है जीपेट एग्जामिनेशन, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है, असंभव कुछ नहीं, अगर आप ठान लें तो जरूर जरूर होगा ये एग्जामिनेशन भी आपसे पास। तो लग जाइए अपनी तैयारी में, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम अमर सार एकेडमी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।